अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने ग्रामर पार्ट में पढ़ा था वर्ड चैन। वर्ड्स दिए हुए थे, उनकी स्पेलिंग रॉन्ग थी, उसको हम लोग पहले स्पेलिंग सही किए, फिर सही स्पेलिंग करने के बाद जो नया जो सही वर्ड था उसको वर्ड चैन की सूरत में हम लोग लिखे थे। लेकिन आज बच्चों हम लोग देखेंगे जो हमारा लास्ट लेसन है फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसका जो ग्रामर पार्ट है उसमें लैंग्वेज स्टडी एक पार्ट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और वो है पेज नंबर 102 पर। तो आप लोग सबसे पहले अपनी अपनी बुक ओपन कीजिएगा और पेज नंबर 102 इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे लैंग्वेज स्टडी। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं वो पढ़ता हूँ। और कभी भी बच्चों क्वेश्चन को जब तक अच्छी से हम नहीं समझेंगे और उसके ऊपर एक इंस्ट्रक्शन एक हिदायत लिखी होती है, जब तक हम उसको सही से नहीं पढ़ेंगे नहीं समझेंगे तो आगे क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। तो मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ता हूँ, बहुत गौर से सुनना। चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस बिलो एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी दी हुई हिदायत के मुताबिक जुमलों के फॉर्म चेंज करना है विदाउट चेंजिंग मीनिंग और टेंस, बगैर मानी और जमाना तब्दील किए हुए। अब यहाँ पर नीचे 6 सेंटेंसेस लिखे हैं बच्चों, उसमें से हम लोग आज पहला सेंटेंस देखेंगे कि क्या लिखा है और उसकी हिदायत क्या लिखी हुई है और उसको हमको क्या करना है। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, फर्स्ट सेंटेंस यहाँ बोर्ड पर मैं लिखा हूँ, मैं पढ़ता हूँ सुनेंगे। द पीपल ऑफर थैंक्स टू द गॉड्स, और गॉड्स में क्या लिखा है, री राइट यानी दोबारा लिखिए यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तब्दील करना है। लेकिन इस सेंटेंस का मायनी और मतलब और जमाना तब्दील नहीं करना है, समझ में आया। फिर हम सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या लिखा है, द पीपल ऑफर थैंक्स टू द गॉड, यानी कि लोग भगवान का खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब इसी जुमले को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमको चेंज करना है। टेंस का मतलब हमें मालूम है, टेंस यानी जमाने, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन इस सेंटेंस को क्या बोला है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी जमाने हाल जारी। और इसमें हम लोग क्या पढ़े बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिए हुए सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसमें वर्ब में आईएनजी ऐड किया जाता है। अब यहां पर देखेंगे उसका आंसर क्या लिखा है बच्चों, द पीपल ऑफरिंग, अब यहां पर ये वर्ब था ऑफर, अब इसी में देखो मैंने क्या किया, आईएनजी ऐड किया हूं, द पीपल ऑफरिंग थैंक्स टू द गॉड। तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ये बात याद रखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है तो जो वर्ब होता है यानी जो फेर जो एक्शन वर्ड होता है उसमें आईएनजी का यूज होता है। ओके, समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन, हार्डली ए मंथ पासेस विदाउट ए फेस्टिवल, हार्डली यानी मुश्किल से, ए मंथ पासेस यानी मुश्किल से कोई महीना गुजरता है विदाउट ए फेस्टिवल, त्यौहार के बगैर, यानी कोई महीना शायद ही गुजरता है त्यौहार के बगैर, ये मतलब हुआ। अब इसका क्या लिखा है हिदायत, री राइट यानी कि दोबारा लिखिए यूजिंग नो इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में नो का इस्तेमाल करना है और सेंटेंस का वही मतलब आना चाहिए। सेंटेंस क्या था कि मुश्किल से कोई महीना बगैर त्यौहार के गुजरता है। तो अब इसका सॉल्व, इसका सलूशन क्या है, आंसर क्या है, नो का इस्तेमाल करना है, नो या नॉट, नॉट एनी मंथ पास, कोई भी महीना नहीं गुजरता विदाउट फेस्टिवल, त्योहार के बगैर, सेम मतलब आ रहा है, मतलब पहले लिखा है वो चेंज नहीं होना चाहिए, जमाना चेंज नहीं होना चाहिए, वही तो हम कर रहे हैं। सेंटेंस जो लिखा उसका मतलब यही है, मुश्किल से कोई महीना बगैर त्योहार के गुजरता है, और जवाब में जो हम लिखे वो भी वही मतलब है, नॉट एनी मंथ पास, कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता विदाउट फेस्टिवल, त्योहार के बगैर, समझ में आया बच्चों। अब यहां देखेंगे हम लोग थर्ड सेंटेंस, आई रीड, लिसन केयरफुली, द स्प्रिंग फेस्टिवल इज एन ओकेजन, यहां पर लिखा है द स्प्रिंग फेस्टिवल इज एन ओकेजन, यानी कि मौसम में बहार, इज एन ओकेजन एक मौका है,
आगे क्या बोला है, एड ए क्वेश्चन टैग, ये तो मैं बाद में आंसर लिखाऊं, यानी इसमें क्वेश्चन टैग का यूज करना है। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ इतना रहेगा, ठीक है, ये इतना रहेगा। अब जब हम इसको हल करेंगे, जब जवाब लिखेंगे, तो दिए हुए सेंटेंस का जहां एंड होता है वहां कॉमा लगाएंगे और आगे हम लोग कभी भी क्वेश्चन टैग में ध्यान देना बच्चों, सेंटेंस को पहले गौर से पढ़ो। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो यहाँ निगेटिव में आएगा, अगर यहाँ निगेटिव में तो यहाँ पॉजिटिव में आएगा। अब ये जुमला जो पॉजिटिव जुमला है, यहाँ पर क्या है इज, अब इसको हमको निगेटिव करना, इजंट कर देना है, इजंट इजंट, आगे क्वेश्चन मार्क, खत्म हो गया, खत्म, ये रिकॉर्डिंग। अब ये क्या है बच्चों, यहां पर हम लोग देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, यहां पर क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, समझ में आए बच्चों? क्वेश्चन टैग में कभी भी ध्यान देना, अगर यहां पर रहता ही तो सेंटेंस में आखिरी में आता इजंट ही, अगर यहां होता यू तो इजंट यू, समझ में आया, आर होता तो आरंट यू, आरंट ही, यहाँ पर इस का इस्तेमाल हुआ है, और इट किसके लिए है, स्प्रिंग सीजन के लिए, इजंट इट, यानी ऐसा नहीं है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन टैग मैं इंशाल्लाह कल के पार्ट में और इसको अच्छे से समझाऊंगा, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4-5 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स बच्चों।